नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। खबर गाजीपुर से है, जहां स्वर्ण व्यवसायियों ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का माल्यार्पण कर जबरदस्त स्वागत किया। आपको बता दें, गाजीपुर शहर के नगर स्थित पोस्ता घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन कल्याण कार्य योजना के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष व भाजपा नेता मनीष कुमार सिंह का स्वर्ण व्यवसायियों व स्वजातीय प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर कई बातों को कहा। आप देखें गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। मैं मनीष कुमार वर्मा स्वर्णकार समाज से आता हूं सबसे पहले, और दूसरी बात कि मुझे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे जिलाध्यक्ष गाजीपुर का नियुक्त किया गया। आज आप लोग एक निजी कार्यक्रम रखा है स्वर्ण समाज का, क्या है कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम? कोई कार्यक्रम नहीं है, ये स्वर्ण समाज का प्यार और प्रेम है जिन्होंने लोग मेरे ऊपर दर्शाया है। अब इनका पूरी तरह मैं विश्वास कायम रखूंगा, और जहां तक है प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रसार प्रसार के लिए अग्रसित रहूंगा। उद्देश्य क्या था कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य जैसे कि मान लीजिए कि लोगों का आपसी सद्भाव के प्रति प्रेम लगाव है, तो स्वागत अभिनंदन इन्होंने कार्यक्रम रखा है। मनीष जी, आपसे एक सवाल करेंगे कि 10% आपके लिए कितना मायने रखता है? 10% देखिए, ये तो रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आपने सवाल किया तो 10% की बात नहीं है, इसको सारे समाज को लेके सवर्ण वर्ग में 10% में जो भी होंगे, गरीब दलित होंगे, गरीब होंगे इस तरह के लोग, उनको थोड़ा राहत मिलेगी, इससे प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा बल मिलेगा। तो ऐसे में आपको जो है जिला का बना दिया गया है, आप अपनी अगली तैयारी कैसे करेंगे? अगली तैयारी में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को प्रचार प्रसार के लिए पूरा टीम गठित करूंगा, और उसको लेके समाज के अंदर जाऊंगा और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाऊंगा। क्या लगता है आपको कितनी कामयाबी मिली होगी अब तक? अब इसके लिए तो कामयाबी बहुत मिलेगी, ये तो 19 ही बताएगा आपको। एक सवाल करना चाहेंगे, आज महागठबंधन पे क्या कहेंगे आप? अब देखिए, अब चोर डकैतों का गठबंधन जो हो गया है, अब उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हम लोग विकास के बल पे चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के छोड़ दीजिए, विकास के बल पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसी के बल पे हम लोग विजय हासिल करेंगे। ठीक, आप दे दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।